क्लास 12th अकाउंटेंस से आज हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स कैसे तैयार किए जाते हैं। बेसिकली कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार इसलिए किया जाता है ताकि दो फाइनेंशियल ईयर के बीच जो बैलेंस शीट होता है, जो कि स्टेट ऑफ पोजीशन को बताता है, या फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जिसको प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है, इन दोनों के बीच हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि कितना चेंजेज हुआ, ताकि हम जो चेंज अगर नेगेटिव में आता है या पॉजिटिव में होता है, क्योंकि ये जो चेंजेस होते हैं फाइनेंशियल ईयर के बीच में, ये दो तरह के हो सकता है। एक होता है प्लस में, यानी कि पॉजिटिव इंक्रीज होता है जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है नेगेटिव, इससे डिक्रीज होता है। तो पर ये पता लगा जाता है कितने परसेंट का इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, जिसके लिए हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करते हैं। आज की वीडियो में हम जो पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट का कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे तैयार करें, डीके गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हुए पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्जाम में आता है वो देखिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपके पास क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ वॉय लिमिटेड। वॉय लिमिटेड के लिए आपको एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट तैयार करना है, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है देखिए, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017, फिगर बिंग लेक, आपको अमाउंट दिया रखा है, यानी कि ये जो 25 है ये लाख में, देखिए लिखा हुआ है ब्रैकेट में। 31 मार्च 2016 का भी अमाउंट दे रखा है, यानी कि जो अलग अलग अमाउंट दे रखा है, शेयर कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट्स है, लॉन्ग टर्म बॉरोइंग्स है, और इन्वेंट्रीज है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश करंट लाइबिलिटीज, रिजर्व, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। तो इन सब के इस्तेमाल करते हुए आपको करना क्या है, आपको तैयार करना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ठीक है। चलिए हम तैयार करें कंपैरेटिव। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करने के लिए आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट का एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या है। जब तक आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद नहीं रहेगा तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट आप तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में बैलेंस शीट का फॉर्मेट मस्ट है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ विद फॉर्मेट किस तरह से तैयार करेंगे, किसके बाद कौन सा पॉइंट डालते हैं, ये जरूरी है, ठीक है ना। सबसे पहले ये इसका फॉर्मेट तैयार होता है इस तरीके से, कंपैरेटिव स्टेटमेंट का पार्टिकुलर है, नंबर 1 कॉलम में यहाँ पर नोट नंबर डाला जाता है, अगर आपने कोई नोट तैयार किया है तो। फर्स्ट कॉलम में बेस ईयर डाला जाता है 31st 2016, जिसके साथ तुलना करनी है। नेक्स्ट कॉलम में करंट ईयर का अमाउंट डाला जाएगा, फिर डाला जाएगा एब्सोल्यूट चेंज, मतलब ए और बी में कितना चेंज हुआ, दैट मींस बी माइनस ए करेंगे, बी में से ए माइनस करेंगे, चाहे प्लस में है चाहे माइनस में है। माइनस में आता है तो उसको हम ब्रैकेट में क्लोज करके रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ निकालना है परसेंटेज चेंज कॉलम नंबर डी में। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ था, सबसे पहले क्वेश्चन में जो लिखते हैं मेन हेडिंग में, सबसे पहला मेन हेडिंग होता है वो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज का, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज के जस्ट नीचे जो उसके बाद जो दूसरा हेडिंग आता है, जिसको सब हेडिंग बोलते हैं, वो होता है शेयर होल्डर्स फंड्स। और शेयर होल्डर फंड्स के अंडर जो कॉलम जो हेडिंग बनते हैं, दो पॉइंट आता है, एक होता है शेयर कैपिटल और दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। आपको ये याद रखना है, अगर दोनों दिया भी ना हो मत लिखिए, लेकिन इसके हेडिंग डाल दीजिए तो आपके लिए कंफ्यूजन नहीं होगा, रिजर्व एंड सरप्लस। क्वेश्चन में कितना अमाउंट दे रखा है उसका आप देखिए, क्या क्वेश्चन में शेयर कैपिटल से रिलेटेड कोई दे रखा है, सबसे ऊपर दे रखा है शेयर कैपिटल
2017 का है 25 लाख और 2016 का है 20 लाख। तो 2016 का हम 20 यहाँ पर एंटर कर देंगे और ए है 25। तो 20 लाख जो पहले था 25 लाख हो गया है, तो अब चेंज कितना हो गया है 5 लाख, ठीक है ना, चेंज हो गया है 5 लाख रुपीज इन लाख। हम एडिंग डाल देते हैं रुपीज इन लाख, ठीक है। अब चेंजेस कितना होता है, चेंजेस हुआ है आपका 5% का, सॉरी 5 लाख का। तो उसको परसेंटेज में चेंज करने का तरीका क्या होता है, परसेंटेज में चेंज करने का तरीका है कि जितना चेंज आया हुआ है, यानी कि यहाँ पर चेंज अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ बेस ईयर यानी कि 20। तो मल्टीप्लाई कीजिए 20 से, इसको डिवाइड करेंगे 25 यानी कि एक्चुअल में कितना परसेंट का चेंज हुआ है 25%। तो एंटर कर दिया हमने यहाँ पर 25%। रिजर्व एंड सरप्लस कॉलम में आते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में क्वेश्चन में दिया हुआ है, रिजर्व के नेम से देखिए 40 और 36, दैट मीन्स 2016 का 36 है और 2017 का जो है 40,000 है। द एब्सोल्यूट चेंज इज 4, प्लस में चेंज हो रहा है, तो हम ये चेंज कर, अब इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 36। अब इसको डिवाइड करते हैं, 4 × 4 = 9, इसको डिवाइड करें दैट इज अमाउंट आएगा 11.11%, ठीक है। तो उसको एंटर कर देंगे हम 11.11%। अब शेयर होल्डर कॉलम में ये दो ही पॉइंट आते हैं, इसके बस इस दूसरा जो हेडिंग बनता है वो आता है नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज मतलब जितने भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होते हैं उसकी एंट्रीज इसके अंडर करते हैं। और नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्वेश्चन में दिया हुआ केवल एक ही चीज, वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना दे रखा है 9 लाख और चेंज हुआ है 12 लाख, यानी कि कितना चेंज हुआ है एब्सोल्यूट चेंज 3, पॉजिटिव में 3। और इसको चेंज कीजिए इस परसेंटेज में 3 × 100 / 9, 3 × 3 = 9, दैट इज चेंज हो रहा है 33.33%, ठीक है। तो एंटर कर दिया हमने 33.33%। नॉन करंट लायबिलिटीज के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आता है वो होता है करंट लायबिलिटीज का थर्ड, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, जैसे बिल्स पेबल हो गया, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, इन सब चीजों की एंट्री करेंगे। आप देखिए क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी से रिलेटेड क्या दे रखा है, डायरेक्ट करंट लायबिलिटी के नेम से हेडिंग दे रखा है 15 लाख और 12 लाख। ये कम हो गया लायबिलिटी, दैट इज अमाउंट जो चेंज हुआ है वो माइनस में हुआ, यानी कि 3 माइनस में ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और 15 लाख का 3 लाख का हम परसेंट में चेंज करेंगे, दैट इज ये हो जाएगा 3 × 100 / 15, 3 × 3 = 5, दैट इज 20%, ठीक है। तो एंटर कर देंगे यहाँ पर 20%। बस यही इसमें सारे क्वेश्चन में करते जाना है फॉर्मेट बनाते हुए, और जो चेंज निकालना है उस चेंज को परसेंटेज में चेंज करना है, और कुछ भी नहीं, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। अब करना है टोटल, इधर का टोटल कीजिए दैट इज 80, बी नंबर का कॉलम का टोटल कीजिए दैट इज 85, यहाँ का जो चेंज आया है उसका टोटल कीजिए 5, 4, 9, 9, 3, 12 में से 3 माइनस किया तो ये आ गया 9। अब 9 को परसेंटेज में चेंज कीजिए कितना आ जाएगा 9 × 100 / 80, दैट मीन्स ये जो अमाउंट हो रहा है कितना हो रहा है 20%, ठीक है। और ये 25 कैसा है, नेगेटिव का है, सॉरी ये आ रहा है कितना, मैंने क्या एंटर कर दिया, तो 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 9, 5 = 45/2, तो ये आ गया आपका
2 2 4 2 2 4 2 5 10 22.5%। ठीक है। अब उसके बाद जब लायबिलिटी के सारे कॉलम कंप्लीट होते हैं हो जाता है, उसके बाद हम पर एंटर करेंगे सबसे पहला दूसरे मेन हेडिंग में, दैट इज एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहला जो हेडिंग होता है वो होता है नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में जो पहला हेडिंग बनता है वो होता है फिक्स एसेट्स का, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स एसेट्स से रिलेटेड आपके पास दो चीजें दी हुई हैं, एक है टेंजिबल एसेट्स, दूसरा है इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स है 40 टे बढ़ के कितना हो गया 50, चेंज अमाउंट इज 10, और 40 का 10 को अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे ये हो जाएगा 25%। इंटेंजिबल एसेट्स दिया हुआ है 10, चेंज भी चेंज कोई चेंज नहीं हुआ जैसा है तो उसको डैश कर देंगे, नो चेंज, ठीक है। उसके बाद आया हुआ है फिक्स एसेट्स के जस्ट नीचे बी नंबर इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के अंदर देखिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 5 लाख से चेंज हुआ है 9, अमाउंट इज 4, तो 5 का 4 अगर चेंज करेंगे तो ये निकलेगा आपको 80%। इन्वेस्टमेंट के जस्ट नीचे नॉन करेंट एसेट्स का दूसरा पॉइंट आता है, द दूसरा पॉइंट ये होता है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स के नीचे अंडर में जो पहला पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट का, सॉरी इन्वेंट्रीज, और इन्वेंट्रीज के बाद क्वेश्चन में दूसरा दे रखा हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेंट्रीज का अमाउंट दिया हुआ है 20, चेंज होके हो गया 18, यानी कि माइनस में चेंज हुआ है 2, तो 20 का 2 कितना परसेंट होता है 10%, माइनस का ब्रैकेट में बंद करके रखेंगे, ठीक है ना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है, द अमाउंट इज 5, चेंज हो गया है 2, दैट इज माइनस का 3, तो ये भी 5 का 3 कितने परसेंट होता है 60%, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, टोटल करेंगे, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी का रूल आपको पता है दोनों साइड का टोटल होना कंपलसरी है, दैट इज टोटल आ रहा है यहाँ पर 80, ऊपर वाला 80 और नीचे लायबिलिटी और ऐसे दोनों इक्वल है, दैट इज 89, चेंज हो रहा है 9 का, और टोटल जो चेंजेस है परसेंटेज में दी हो जाएगा 22.25, ठीक है परसेंट, क्लियर। तो सेम तरीका है जिसका यूज़ करते हुए कंपेरेटिव स्टेटमेंट तैयार करना है। इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।